हेलो एवरीवन, होली की बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। साथ में आने वाले वीडियो में पापड़ी बनाएंगे लेकिन मैदे से नहीं बनाई है। खजूर और इमली की चटनी को स्टोर कैसे करना है वो भी बताएंगे। दही से एक बहुत ही टेस्टी आप डिश बना सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आए। होली की शुरुआत होते ही अगर कुछ दिन पहले ना इमली की चटनी बना के रख ली जाए ना, काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मेहमानों को दही बड़े बहुत पसंद आते हैं। पापड़ी चाट कई सारी चीज़ों के साथ इमली की चटनी से सर्व की ही जाती है। तो यहाँ पे हम खजूर से बनी चटनी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमने लिए 300 ग्राम खजूर जिसके बीज निकाल देने हैं, और 70 ग्राम अदरक लिए, 100 ग्राम इमली ले लिए। इमली को आपको भिगोना है तो एक दिन पहले आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ख़राब ना हो और बहुत सॉफ्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे वैसे गर्म पानी में आप इसे भीगने के लिए रख सकते हैं। और जो हमने अदरक ली थी ना, उसका छिलका निकाल के उसके ऐसी रफली पीसेस को काट लेना। हम क्या करते हैं, जब इमली की चटनी का पल्प सारा होता है ना, छन्नी से छानते हैं ना, जो छन्नी के अंदर सारी चीज़ें बच जाती हैं, लकड़ी वगैरह जिसमें बहुत खटास रहती है बची हुई, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको तो पहले निकाल लेना है। फिर भी जब बच जाता है उसको एक बोल में इसे एक पैन में सारी चीज़ें डालने के बाद में 1-1.5 कप पानी डाल के अच्छे से उबाल लेते हैं ना, और फिर वापस से छानेंगे ना, तो उससे जो पानी होता है ना वो काफ़ी खट्टा रहता है, उसको भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने खजूर छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है, और जो खट्टा पानी हमने बताया ना एक पैन में अलग से बॉयल कर वो ठंडा हो जाए ना, उसको इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी खजूर की चटनी बनाने के लिए, मीन इमली की चटनी बनाने के लिए, उसमें ऐड कर सकते हैं। उस खट्टे पानी को आप गोलगप्पे वगैरह में और मसाले वगैरह डाल के उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, कलौंजी बहुत ज़रूरी रहती है तो कलौंजी डाल दी है, मगज के बीज या फिर कोई सा भी नट्स आप जैसे काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। थोड़ा सा हमने किशमिश डाली है। सारी चीज़ों को हल्का सा हमें फ्राई कर लेना बहुत थोड़ा सा, उसके बाद में इसके अंदर जो हमने सारा मिक्सचर रेडी करा है ना, इमली खजूर सारी चीज़ें वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक कल रंग के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमें पका लेना कम से कम 20 मिनट के लिए ताकि ये बहुत जल्दी से ख़राब ना हो। इस तरीके से पकी रहती ना इमली तो आप चटनी तो आप फ्रिज में 5 दिन तक ख़राब नहीं होगी, और बहुत दिन तक आपको रखनी है तो उसका भी हमने वीडियो में आगे बताया आप क्या कर सकते हैं। जब 20 मिनट ये पक चुकी है कवर करके पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी थिक काफ़ी गाढ़ी चटनी बनाई, इसका एक रीज़न भी है। तो सबसे पहले ये जब ठंडा हो जाए ना तो इसको सिलिकॉन ट्रे में आप फ्रीज कर लीजिए, उसके बाद में इसके क्यूब्स निकाल के एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में आपको रखना है। 3 से 4 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब ये क्यूब 1-2 घंटे पहले निकालें, मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इसको अगर बहुत पानी जैसे थोड़ा सा पतला बनाते तो फीकापन इसके अंदर आ जाता, मतलब मीठा मिठास कम लगती क्योंकि खजूर हमने ऐड करा है। तो अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो साथ में इसके थोड़ा गुड़ आप ऐड कर सकते हैं ताकि उसका मिठास ना वो सही रहे, और इसके अंदर अदरक थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दें ताकि जो स्पाइसी जो अच्छा सा तीखापन होता है ना, अदरक का सोंठ जिसे बोलते हैं वैसा टेस्ट जो आता है, तो तब बहुत अच्छी लगेगी। आप थोड़ा सा पतला करें तो इसके अंदर थोड़ा गुड़ डाल दें और थोड़ी सी अदरक की क्वांटिटी बढ़ा दें, तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक इससे के थिक चटनी बना के रेडी कर सकते हैं होली के 1-2 दिन पहले, तो आपका सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही टेस्टी सा डेजर्ट बनाएंगे। होली पे ना कभी कदार कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनका कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो इस टाइप से आप हेल्दी कुछ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हंकड़ हमने ले लिया, ये ध्यान रहे कि एकदम फ्रेश दही उसी का ही हंकड़ बनाएं, क्योंकि फिर दही काफ़ी खट्टा हो जाता है। और यहाँ पे संतरा लेना है, छोटे वाले संतरे आते हैं मार्केट में काफ़ी मीठे होते हैं, क्योंकि खट्टे संतरे लेंगे तो दही मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो मीठे संतरे इस्तेमाल करने हैं। 4 से 5 हमने इस्तेमाल करे हैं, उसमें बीज नहीं थे। एकदम फाइन साइज का प्यूरे बना के रेडी कर लेना है, हंकड़ के अंदर इसे ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर पानी वगैरह में कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब ऑरेंज प्योरे इसमें ऐड करेंगे तो खुद ही थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, और थोड़ा सा इसको थिक रखेंगे। ये ध्यान रहे कि हंकड़ बस बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, नहीं तो काफ़ी खट्टा पता चलेगा। और इसमें अपनी पसंद के नट्स थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कुछ और आप ऐड करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे ना, जो भी आएगा उसको बहुत पसंद आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब फ्रेश बनाए तो फ्रेश ही इसको कंज्यूम करना है, तुरंत ही इसे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो संतरा है ना थोड़ी देर बाद उसमें कड़वाहट आ जाती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काफ़ी टेस्टी लगता है ये भी। नेक्स्ट नाश्ते की रेसिपी है पापड़ी चाट। होली के दौरान पापड़ी चाट सबको बहुत पसंद आती है, जिसे मैदे से बनाया जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे, हाँ डीप फ्राई करेंगे, लेकिन उसके अलावा इसे बनाएंगे गेहूं से, चावल के आटे से, साथ में पालक से, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होती है। 1-2 चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना है कि इसके अंदर पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड ही नहीं करना है,
और डो जो बनाना है ना काफ़ी सख्त डो बनाना है, ताकि जो पापड़ी बनाए ना काफ़ी क्रिस्पी बन के रेडी हो। और पतली पतली सी पापड़ी हमें रेडी कर लेनी है। सबसे पहले तेल में फ्राई करें तो तेल गरम करें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से गरम तेल में फ्राई करना है। एक दो चीज़ें और आगे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया था, 3 बड़े चम्मच आटा हमने निकाल कर, 3 बड़े चम्मच हमने चावल का बारीक पिसा हुआ आटा ऐड कर दिया एक बोल में। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि अजवाइन, नमक, थोड़ी सी हींग वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा तीखा बनाने के लिए ना इसके अंदर हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने काली मिर्च डाली खूब सारी, ताकि इसमें हल्का सा चटपटा टेस्ट आए पापड़ी चाट के अंदर। सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और 3 बड़े चम्मच इसके अंदर हमने कोकोनट ऑयल जो आता है ना उसका इस्तेमाल कर, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे काफ़ी खस्ता बन के रेडी होती हैं। तो 3 चम्मच यहाँ पर डालना ज़रूरी है, बड़े चम्मच जो मेजरिंग स्पून आता है ना उसके हिसाब से, नहीं तो फिर एकदम खस्ता नहीं बन के रेडी होती हैं। और यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पालक को बारीक काटा था उसको ऐड करा है, पानी नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में, बस 1-2 जो छोटे चम्मच होते हैं ना बस 1-2 चम्मच पानी डालेंगे अगर आपको लगे, नहीं तो पालक के साथ में ही आपको डो को अच्छा सा सख्त डो बना के रेडी करना है। फ्राई करते टाइम पे ध्यान रहे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा ना थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही हैं, अगर आपने काफ़ी हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर दिया तो एकदम से जल जाएंगी। और आपको लगेगा ना फ्राई कर देना पहले कि थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही हैं, लेकिन जैसे आप फ्राई करेंगे, क्योंकि पालक में खुद का बहुत सारा पानी होता है, जैसे फ्राई करेंगे ना मीडियम लो फ्लेम के बीच में, तो सारा जो पालक का पानी वो जलता रहेगा फ्राई करते टाइम पे। जब इसे सारा फ्राई करने के बाद रख देंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाती हैं। बस आपको डो थोड़ा सा सख्त बनाना होता है, पलट पलट के इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे, फिर लास्ट में थोड़ा सा लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और इसको हमने गेहूं के आटे से बनाया तो हल्का सा इसका रंग ना थोड़ा सा डार्क सा ब्राउन सा रंग आता है। हाँ, अगर ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पर फ्राई कर दिया तो एकदम से काली हो जाएंगी, फिर देखने में नहीं अच्छी लगेंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं इस पापड़ी के चाट को जब मटर और दही या चटनी के साथ सर्व करते हैं। होली में जो भी मेहमान आएंगे ना बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि पालक के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी पालक में कुछ हीक सी महक सी आती है ना, अलग सा टेस्ट होता है उसकी, अगर पापड़ी चाट बनाते हैं ना तो वो टेस्ट बिगड़ जाता है। तो आप पालक छोटी वाली लें और उसमें अलग सी कोई स्मेल ना आ रही तो बहुत टेस्टी लगती है। अब उसकी आवाज़ सुनिएगा ना ध्यान से, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होती है। आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, हाँ अगर बहुत ही भयंकर वाली गर्मी ना पड़ रही हो तो। और आप देख सकते हैं वीडियो में इसकी लेयर लेयर सी दिखती है, काफ़ी क्रिस्पी बन के रेडी होती हैं। और अपने गेस्ट को पापड़ी चाट आप सर्व कर सकते हैं मटर के साथ में, थोड़ा दही चटनी, हरी धनिया की चटनी, सारी चीज़ें डाल के, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन हेल्थ भी, वेट ना बढ़ जाए इस वजह से हमने नेक्स्ट दिन फिर खाया है दलिया, जो कि हमने बकव्हीट से बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है, इससे बहुत ज़्यादा वेट भी गेन नहीं होता, क्योंकि होल ग्रेन की होती है तो बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती है, प्रोटीन विटामिन रिच होती है। और अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।